उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की सदर विधानसभा सीट से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर एक बार फिर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई किया है। जहां यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही लगातार बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर सरकार का शिकंजा कसा हुआ है, वहीं मुख्तार अंसारी निरंतर सीएम योगी के निशाने पर बने हुए हैं। जहां प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से आए दिन मुख्तार अंसारी व उनसे जुड़े लोगों पर निरंतर कार्रवाइयां हो रही हैं, वहीं आज गाजीपुर स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी और उनके बेटों उमर व अब्बास अंसारी के नाम से गाजीपुर में संचालित गजल होटल पर आज सुबह 7 बजे प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां होटल के दूसरे फ्लोर, सीढ़ी व अन्य अतिक्रमण के हिस्से को एडीएम व एसपी सिटी की देखरेख में ध्वस्त किया गया। शनिवार की देर शाम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बोर्ड ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अपीलों को खारिज कर दिया था। इसके बाद से गजल होटल को खाली कराने का कार्य शुरू कर दिया गया था। वहीं महुआ बाग इलाके में पूरी रात अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद आज सुबह होटल के ध्वस्तीकरण की यह पूरी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन द्वारा 5 बुलडोजर लगाकर मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ध्वस्तीकरण की यह पूरी कार्रवाई की गई है। इस दौरान प्रशासन द्वारा होटल के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बता दें कि बीती 8 अक्टूबर को ही मुख्तार अंसारी के होटल गजल को ध्वस्त करने का आदेश उप जिलाधिकारी प्रभास कुमार ने दे दिया था। एसडीएम कोर्ट ने गजल होटल के दूसरे तल, सीढ़ी तथा अवैध हिस्सों को गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद अंसारी परिवार द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई थी, जहां हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद पुनः डीएम कोर्ट में अपील करने का आदेश जारी हुआ था। डीएम की अगुवाई में बोर्ड में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अपील खारिज करते हुए एसडीएम के आदेश को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद रविवार की सुबह होटल को गिराते समय एडीएम राजेश कुमार सहित सदर एसडीएम प्रभास कुमार, जखनिया एसडीएम सूरज यादव, अतिरिक्त एसडीएम एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, सीओ सिटी ओजस्वी चावला, महमूद अली मौजूद रहे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन द्वारा महुआ बाग तिराहे से मिश्र बाजार तक बैरिकेडिंग कर इस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया था और इस क्षेत्र में लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था।